हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो यहाँ पे मैं जो है हमने आंवले का अचार, मेरे को आंवले का अचार जो है वो बनाना था, तो मुझे नहीं आता आंवले का अचार बनाना। तो यहाँ पे जो है मम्मी जो है आंवले का अचार बनाना मुझे सिखा रही हैं। तो नेक्स्ट टाइम ना अगर मैं ये सीख गई ना, फिर उसके बाद जो है मैं गाजर का अचार जो है खुद बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ कि हमने क्या किया। मैंने ना आंवला जो है वो बॉयल करके नहीं बनाया है, कच्चे मतलब उसको काट दिया है। काटने के बाद उसमें जो है फिर नमक और हल्दी रखी और फिर 2-3 घंटे के लिए जो है उसको धूप में रखा है, ताकि उसमें से जो है पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। पानी निकलने के बाद जो है उसको जो है फिर हम अंदर लेके आ गए थे, उसमें से अच्छा सा पानी जो है काफ़ी निकल जाना चाहिए, ताकि जो है अचार जो है ना वो ख़राब मतलब गीला गीला सा ना हो। इसलिए फिर यहाँ पर जो है हमने ना एक चूल्हे पे तेल रखा है, तेल को गरम करना है। तेल को तब तक गरम करना है जब तक वो ना अच्छे से ना मतलब उसमें से धुआं ना निकल जाए और आँखों में ना जलन सी मिर्ची टाइप की होती है ना, सरसों के तेल में मिर्ची सी लगने लग जाती है आँखों के तेल मतलब आँखों में तेल से, तो वैसा ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम ना इसका मसाला जो है वो भून रहे हैं। तो इसमें जो है आंवले के अचार में जो है इसमें हमने जीरा रखा था। यहाँ पर पहले हम जो है सौंफ भून रहा है, सौंफ मेथी और राई, और उसके बाद हल्का सा जीरा, जीरा हमने ज़्यादा नहीं रखा है। तो यहाँ पे पहले हमने सौंफ को भून मतलब उतना ज़्यादा नहीं करना, जलाना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, जितना ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब थोड़ा सा ही भूनना है। और राई को भी उतना ही भूनना है उतना राई को भी और मेथी को भी मतलब ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना फिर ना बहुत ज़्यादा कड़वा टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो है हल्का हल्का ही जो है सबको भुना है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद इसमें हमने और इसमें कलौंजी नहीं रखनी है। कलौंजी से क्या होता है ना वो खट्टा खट्टा सा होता है, वैसे ही आंवले का अचार इतना खट्टा होता है ना, तो इसलिए हमने इसमें जो है कलौंजी नहीं रखी है। मेरे को जितना मम्मी ने बताया मैं वही सब चीज़ें जो है बता रही हूँ। मम्मी ने बोला कि आंवले के अचार में ना कलौंजी नहीं रखते हैं, गाजर के अचार में रखते होंगे। मैं फिर भी एक बार मैं बनाऊंगी ना तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। यहाँ पे जो है मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो यहाँ पे जीरा जो है हमने हल्का ही रखा था, ज़्यादा नहीं रखा जीरा जी। और हमारा ये अचार है ना 2.5 किलो, हमने 2.5 किलो के हिसाब से जो है मसाला जो है वो भूंजा है। तो यहाँ पर हमने जो है सौंफ को भी जो है जितना हमने सौंफ लिया उतनी मेथी उससे थोड़ी कम ली है। सौंफ जो थे ना हमारे पास 100 ग्राम थे, मेथी उससे कम ली है और राई भी मेथी और राई उतनी ही लिया, जीरा उससे भी कम लिया है। तो यहाँ पे जो है तेल जो है बहुत अच्छे से जो है गरम हो चुका था, तो तेल को ना ठंडा होने देना है, गरम तेल में जो है बिल्कुल भी नहीं रखना मसाला वगैरह। तो इसलिए हमने तेल को जो है बिल्कुल ही ठंडा कर दिया, जितना नॉर्मल जितना ठंडा होता है ना उतना ही करा है। तो उसके बाद जो है आंवले को ना आंवले में हमने नमक रखा है, मिर्च रखी और यहाँ पे जो है इसमें हल्दी रखी थी। तो मतलब पहले जो है हमने जो भी नमक मिर्च वगैरह था वो अपने हिसाब से ही रखना है, और नमक जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि अचार में जितना नमक होता है ना तो कहते हैं कि अचार जो है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो उसके बाद फिर हमने जो ये मसाला है ना इसको मिक्सी में ना हमने जब पीसा है ना तो दरदरा ही पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है बिल्कुल भी बारीक, दरदरा टाइप का ही जो है वो उतना ही पीसना है। उसके बाद हमने जो है मसाला डाल दिया है, और ये हमारा 2.5 किलो का था तो इसलिए हमने मसाला भी जो है थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था। तो और फिर इसके बाद जो है अच्छे से जो है सब चीज़ों को जो है मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे तेज में तो मम्मी जो है वो भी बना रही, मैं उनको देखे जा रही हूँ। तेजस क्योंकि ना उड़ गया था तो मुझे उसको जो है देखना पड़ा, क्योंकि वो ना बिल्कुल भी नहीं, वो सो रखा था। तो हमने यही सोचा था कि जब तक वो सो रखा है ना तब तक हम जो है अचार बना लेंगे, लेकिन वो बीच में ही उड़ गया। क्योंकि फिर मम्मी ने कहा चलो ठीक है, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं मैं बना लेती हूँ तो देखती रहे। तो तेजस को यहाँ पे जो है अच्छे उसको देखती रहे, मैं अचार बना देती हूँ। और यहाँ पर जो है फिर इसमें अच्छा हमने मतलब मसाले को जो है ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और नमक हमने मिर्च जो है वो तो हम वो मिर्च वगैरह जो है वो अपने हिसाब से ही देखनी है, क्योंकि हम तो मिर्च बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए हमने जो है मिर्च जो है बहुत कम डाली है। तो इसमें और बाकी और मेरे को ना आंवले का अचार तो
बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को ना, मेरे को बॉयल करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने एक बार खाया था तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने जो है कच्चा ही बनवाया है। तो अब गाजर का भी जो है वो भी बनाऊंगी मैं। अब तो वैसे भी सर्दियों के सीज़न में तो यही होता है कि गाजर वगैरह आ जाती हैं, तो अच्छा रहता है अचार बनाना। और सर्दियों में तो खाया भी जाता है गर्मी, और फिर ये गर्मियों में भी काम आ जाता है। तो यहाँ पे जो है तेल भी जो है ना, हमने जो है अपने हिसाब से अब देख लेना कितना डालना है। हमने तो जो है ज़्यादा फिर उसके ऊपर से ही तेल डाल दिया, पहले उसमें भी मिक्स करा था, फिर उसके बाद जो है डब्बे में रखने के बाद जो है ऊपर से जो है फिर इसको जो है तेल को रख दिया है। फिर हमने यहाँ पे जो है डब्बे में रख दिया है सारे, अच्छे से मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे डब्बे में रख दिया। मेरे पास वो अचार वाला डब्बा है ना, वो नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है ये प्लास्टिक के डब्बे में ही रखा है। अगर अचार का डब्बा हो ना, अचार का एक आता है डब्बा, वो दूसरा वाला जो कांच का टाइप का ऐसा होता है, उसमें रखो ना तो उसमें तो और भी अच्छा हो रहता है। तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसलिए इसमें ही रख दिया है। तो ये आज की वीडियो बस इतने से ही, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप आंवले का अचार कैसा बनाते हो मुझे कमेंट में वो भी ज़रूर बताना। तो मम्मी ने तो ऐसा मैं खुद बनाया ही है, तो मैं मिलाऊं नेक्स्ट बन बना लूँगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय फ्रेंड, ऐसे ही स्वस्थ रहना, खुश रहना और मुस्कुराते रहना।